हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट टेलर सीरीज भी हमने सोल्व करके देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे लोरेंज सीरीज एक्सपेंशन के बारे में, और वेरियस जैसे रिमूवेबल सिंगुलर पार्ट्स, इसेंशियल सिंगुलर पार्ट्स एंड अदर जो पार्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोरेंज सीरीज एक्सपेंशन। ओके, इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो याद रखना है, जिस तरीके से हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एफजेड के लिए फॉर्मूला देखा था कि उसका एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर एक रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। तो सिमिलरली अगर हम लोरेंज सीरीज की बात करते हैं तो जो एफजेड होगा आप उसको एन टेंस टू एन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक एंड an जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस एन वन से लेके इन्फिनिटी तक, एन वन से लेके इन्फिनिटी तक बी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन से डिनोट कर सकते हैं। तो आप अभी इसको याद रखिए कि एफ जेड है वो आपको समेशन ऑफ एन टेंस टू जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस एन टेंस टू वन टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, आप इसको इस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है देन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर आपका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है एनालिटिक पार्ट। एनालिटिकल पार्ट बोलते हैं इस पार्ट को, आप बोलेंगे एनालिटिक पार्ट, और इस पार्ट को बोलेंगे आप प्रिंसिपल पार्ट। ये पार्ट जो आपका होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल पार्ट। तो एनालिटिक पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप एनालिटिक पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं देन डेफिनेटली आप इसको जो वेरियस थ्री टाइप के हमारे पास डाटा आने वाले हैं उनको आप सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, हम उसको इन प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिक पार्ट को कंसिडर करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेनली क्या है कि अगर आपको कोई टर्म्स गिवन है, इफ देर आर नो टर्म्स, यानी कि कोई भी टर्म्स नहीं है, देर आर नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, देर आर नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, नो इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड, देन जेड जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से फॉर्मेट हो रहा है कि आपके पास कोई भी प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स नहीं है, देन जो वो आपका जो एफजेड होगा वो जेड जीरो एफजेड के लिए जेड जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। तो इफ देर आर नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफजेड देन देर इज जेड जीरो इज रिमूवेबल सिंगुलर पार्ट। सो अगर हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं देन डेफिनेटली आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब आपको गिवन है एंड आपसे पूछा गया है कि ये पॉइंट जो है जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड इक्वल टू जीरो पे ये रिमूवेबल सिंगुलर है या नहीं है। जेड इक्वल टू जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलर है या नहीं है, तो हम इसको अगर चेक करते हैं तो जेड एंड साइन जेड का हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन देखा था उसमें अगर हम जेड नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे देन, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है जेड नॉट की वैल्यू जीरो, इस क्वेश्चन के साथ ही आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइन जेड, कुछ जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं उनका आपको याद ही रखना है, तो वो आपका आ जाएगा जेड जेड क्यूब डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल देन जेड फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल। ये आपका साइन जेड का एक्सपेंशन होता है। तो वो आप नोट कर लेंगे देन डिवाइडेड बाई जेड क्यूब। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन आपको पता लगेगा कि जो टर्म्स आ रही है वो कुछ आपकी इस फॉर्म में आ रही है कि जेड क्यूब आपका ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये जेड और ये जेड कट जाएगा क्योंकि जेड माइनस जेड होगा और ये जो सिंबल है वो इन अंदर वाली सारी टर्म्स का सिंबल चेंज कर देगा एंड जेड क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका आएगा वन डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल क्योंकि जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन सिमिलरली ये आपका आने वाला है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल क्योंकि जेड क्यूब से ये कटेगा तो जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा जेड
प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 फैक्टोरियल, एंड सिमिलरली ये सीरीज चल जाएगी। तो यहाँ से आप अगर देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी टर्म्स नहीं आ रही है जो जेड के साथ आ रही हो, लाइक दैट इस तरीके से कोई टर्म्स नहीं आ रही है, 1 बाई जेड, 1 बाई जेड स्क्वायर। तो इसलिए हमें पता लगा कि इसमें कोई भी पार्ट प्रिंसिपल पार्ट नहीं है अगर जेड नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अगर आप जेड नॉट इक्वल टू 0 देखते हैं तो कोई भी इसमें पार्ट प्रिंसिपल पार्ट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम जेड नॉट इक्वल टू 0 पुट नहीं करते तो साइन का जो हमने लास्ट एक्सपेंशन करा था वो उस हिसाब से होता, जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जेड, उस तरीके से उसका एक्सपेंशन होता तो वो थोड़ा अलग। तो जेड नोट अगर 0 की हम बात करें तो हमें इस पर्टिकुलर टर्म्स में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं मिल रही है जो 1 बाई जेड की फॉर्म में हो, यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में हो, यानी कि कोई, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, केवल एनालिटिक पार्ट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जेड नोट 0 इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ओके, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो जेड नोट जो आपका है वो है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है। एंड ये क्यों है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पावर ऑफ जेड आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पावर ऑफ जेड नहीं मिल रही है। अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो इसका मतलब ये है ना कि अगर आप इसको पावर को ऊपर लेके जाएं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड नोट की पावर माइनस एन, यानी जेड की कोई नेगेटिव पावर है। तो ओके, अगर जेड की कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, और अगर प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है एफ जेड के लिए, वो जेड नॉट। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट को हम कैसे डील कर सकते हैं। ना हम देखते हैं इशेंशियल सिंगुलर के बारे में कि उसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, इफ देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो प्रिंसिपल पार्ट में, देन एफ जेड एंड देन एफ जेड देन जेड जीरो इज इशेंशियल सिंगुलर। जो जेड जीरो होगा वो इशेंशियल सिंगुलर होगा अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड के अंदर, यानी प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड में अगर आपको कोई भी टर्म्स मिल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रही है, इट मीन्स जेड जीरो इज इशेंशियल सिंगुलर। और लास्ट वाले में हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म्स नहीं मिल रही है एफ जेड के में, देन वो रिमूवेबल सिंगुलर, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करें तो एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1 बाई जेड होगा। एंड अगर आप ई की पावर 1 बाई जेड का अगर आप ओपन करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे जो मैं आपको एक शीट में लिख के प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको याद रखना है कि पर्टिकुलरली किसी टर्म्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। या फिर आप डायरेक्टली नेट से डाउनलोड करिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ वेरियस टिक्नोमेट्रिक एलजेब्रिक एंड अर्थमेटिक टर्म्स। ओके, उनका आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप चेक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर हम ई की पावर 1 बाई जेड का अगर एक्सपेंशन करते हैं तो वो आपका आएगा 1 प्लस 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का प्लस 1 बाई जेड का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये कंटिन्यूस रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये सेम चलता रहेगा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं तो 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई जेड का 4 फोर फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये सारी जो टर्म्स है वो आपकी कुछ इस फॉर्म में ले लेगी, z की पावर -1 z की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z की -4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये कंटिन्यूस रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे जो जेड की पावर नेगेटिव है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। और हमने देखा ही था कि प्रिंसिपल पार्ट होने के लिए क्या होता है कि टर्म्स जो होती है उसके साथ जेड की वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर क्यों कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इट मीन्स ये क्या जो पॉइंट होगा जेड जीरो वो है इशेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जब भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, जेड की इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स भी लिख सकते हैं आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर
भी लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर। ओके, नेगेटिव पावर जेड नोट की जो भी नेगेटिव पावर इन्फाइनाइट नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल पार्ट से बिलोंग कर रहा है, और इन्फाइनाइट नंबर वो प्रिंसिपल पार्ट अगर होता है एफ जेड में, देन वो जेड जीरो जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलर होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जेड जीरो इज इसेंशियल सिंगुलर। इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ये इसेंशियल सिंगुलर है, रिमूवेबल सिंगुलर है, या फिर रेसिड्यू है, या फिर जो भी है, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हमने इसको पर्टिकुलरली चेक किया कि जेड की इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पार्ट मिल रही है, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर प्रिंसिपल पार्ट है देन डेफिनेटली वो इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा इसेंशियल सिंगुलर के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोल कैसे डिसाइड होता है, अगर किसी पर्टिकुलर टर्म्स को अगर हम बोलते हैं कि पोल है तो जब पोल डिसाइड कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए इफ देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट देन जेड जीरो इज पोल लाइक दैट। अगर हमने देखा था कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही थी इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड देन हम उसको क्या डील कर रहे थे, वो होता है हमारा इसेंशियल सिंगुलर। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आती है प्रिंसिपल पार्ट में, यानी कि जेड की पावर कुछ लिमिटेड ही आपको 2, 3, 4, 5 भी मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम नहीं मिलेगी, देन जो जेड जीरो है वो आपका पोल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो देखिए एफ जेड जो है वो आपको अगर गिवन होता है मान लीजिए साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर 4, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर 4, इट मीन्स अगर आप साइन जेड को ओपन करते हैं तो जेड माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, गलत है ये, जेड की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका माइनस आएगा, यानी कि जेड की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, यहाँ से आप कंटिन्यूस रखेंगे एंड जेड की पावर 4। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जेड क्यूब माइनस 1/3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1/z प्लस 1/5 फैक्टोरियल, ये आपका जेड। ओके, देन जेड इसको जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल कुछ इस तरह। यहाँ से अगर आपने देखा तो केवल ये जो 2 टर्म्स आ रही है यही आपको नेगेटिव मिल रही है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ इनको देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर है, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको पॉजिटिव मिल रही है सारी पावर। ये 2 ही ऐसी पावर मिलेगी जेड की, अगर आप इसको अबाव लेके जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो जेड की पावर क्यूब माइनस क्यूब होगा एंड ये जेड की पावर माइनस 1 होगा, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आपको मिल रही है, फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स। इट मीन जेड जीरो जो है वो जेड नॉट जो है वो आपका क्या है, पोल है। ओके, तो जेड नॉट इज ए पोल। ओके, तो यहाँ पे आपका जेड नॉट है वो क्या है, पोल एट जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन जेड ओपन ही इस फॉर्म में तब होगा जब जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। ओके, तो यहाँ से हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखा है कि कैसे आप रिमूवल सिंगुलर, कैसे आप इसेंशियल सिंगुलर के बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे आप पोल को समझेंगे। नाउ हम देखते हैं रेसिड्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिख ही जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको इसको अच्छे से समझना है और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स इसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो यहां पे अगर आप रेसिड्यू की बात करते हैं, इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड द कोफिशिएंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट इज कॉल्ड देयर रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड डिवाइड इज इक्वल टू जेड नॉट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसे हम इस जो थियोरटिकल स्टेटमेंट गिवन है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि रेसिड्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एन दिस पर्पज हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 4। ओके, जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 4। तो अगर हम इसको रेसिड्यू निकालना है, हमें रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इजक्वल टू 2 और जेड इजक्वल टू 4 हमें कैसे पता लगेगा, तो देखिए अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2 जेड माइनस 4 है, तो मान लीजिए आपको जेड माइनस 2 के लिए टर्म चाहिए तो आप जेड माइनस 2 लिख लेंगे एंड यहाँ पे आपको जेड माइनस 4 है तो जेड माइनस 4 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से जब भी आपको इस तरीके की टर्म मिले उसको आपको पार्ट में खोलना हो तो आप ये हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए कि जेड माइनस 2 एजेटिव लिखिए एंड यहाँ से आप जेड माइनस 4 लिखिए। जब आप जेड माइनस 2 की बात करते हैं, ओके,
तो जेड माइनस टू में आप क्या करेंगे, अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसकी तो आपको वैल्यू पर्टिकुलरली क्या मिलने वाली है, आपको जेड माइनस टू अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलने वाली है जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसको आप जेड माइनस टू को जीरो पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आपको टू मिलने वाली है, तो अगर आप इसकी बात करें। देन आप क्या करेंगे, जो जेड माइनस टू है इसको आप हाइड कर लीजिए, जो जेड माइनस टू आपको हाइड कर लीजिए, एंड जो आपका रिमाइनिंग टर्म्स आपकी बच गई है उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। लाइक दैट जेड इक्वल टू टू आपका आया है, अगर आप जेड माइनस टू को हटाते हैं तो रिमाइनिंग टर्म आपके पास जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस फोर बचा है, तो इसमें आप टू पुट करिए तो जेड प्लस वन यानी कि टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस फोर, तो टू प्लस वन आपका थ्री हो गया और टू माइनस फोर यानी कि माइनस टू हो गया यानी कि माइनस थ्री बाई टू, तो ये आपको मिलेगा माइनस थ्री बाई टू। ओके, सिमिलरली अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस वाले पार्ट को यहाँ रखना है और इसको जीरो के, इस पार्ट को जीरो के इक्वल कर देना, तो यहाँ से आपने जीरो माइनस फोर करा तो आपको जेड की वैल्यू फोर मिली। अब क्या करेंगे आप, इसको आप जीरो रख चुके हैं तो आप इसको हाइड कर लेंगे और जो रिमाइनिंग टर्म्स आपके पास बच गई है तो वो आपके पास बची है जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू, तो जो फोर आपका आया है वो आप इसमें पुट कर देंगे यानी कि फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू, यानी फोर प्लस वन आपका फाइव एंड फोर माइनस टू आपका टू यानी कि फाइव बाई टू, तो जो यहाँ पे इसका कोफिशियंट आने वाला है वो आपका आएगा फाइव बाई टू और ये पॉजिटिव में आया है इट मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव में आता है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि इस पर्टिकुलर टर्म्स को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए, अब हमें पता करना है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू टू। ओके, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू टू अगर आप इसको कम देख रहे हैं तो यहाँ पे जेड इक्वल टू टू आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप टू माइनस टू करते हैं तो ये आपको जीरो मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई आप क्या करेंगे, जेड इक्वल टू टू यहाँ से आपने एक्चुअली में जब ये आपने कैलकुलेट किया था तो आपने जेड माइनस टू डायरेक्ट रख के और जेड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी तो आपको जेड इक्वल टू टू मिला था, देन आपने टू पुट किया, इट मीन्स ये रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू टू जो आपका होगा वो क्या होगा कि वन माइनस जेड, जैसे अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा वन माइनस जेड नोट का जो कोफिशियंट होगा वो होगा, तो यहाँ पे देखिए जेड नोट की वैल्यू अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो टू आएगी, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे तो फोर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था जेड इक्वल टू टू निकाला था और उसको हमने यहाँ पे पुट किया था रिमाइनिंग टर्म्स में, यानी कि जेड नोट की जो वैल्यू है वो आपकी टू आ रही है यहाँ से। ओके, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो कोफिशियंट बचेगा अगर हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो माइनस थ्री बाई टू एंड ये आपका कोफिशियंट सेपरेट कोफिशियंट आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू एंड ये जो टर्म है वो आपकी बचेगी जेड माइनस टू, यानी कि ये जेड वन माइनस जेड नोट को डिनोट कर रही है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइव बाई टू वन माइनस जेड माइनस फोर, तो ये भी आपका जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू डिपेंड करेगी, यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू फोर है और यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू टू है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नोट जो जेड है आपका जेड इक्वल टू टू उस पे उसका रेसिड्यू कितना आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और अगर आपसे पूछा जाता है कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू फोर तो वो आपका आ जाएगा फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू। ओके, तो ये आपका रेसिड्यू की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से हमें पता चला कि डायरेक्टली हमें वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट का जो कोफिशियंट है वो हमें बताना है, जैसे ही हम वो कोफिशियंट बताते हैं वो ही उसका पर्टिकुलरली रेसिड्यू होता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रेसिड्यू के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलते हैं। अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा क्लियरिटी आए। यहाँ से अगर आप देखेंगे एफ जेड इक्वल टू ई की पावर वन बाई जेड एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है आपको एफ जेड इक्वल टू साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर फोर, तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो वो हम ऑलरेडी फर्स्ट कर चुके हैं कि वन बाई जेड डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई जेड का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, ये कंटिन्यूस इस तरीके से आपका ओपन होने वाला है। तो अगर हमें पूछा जाता है कि रेसिड्यू ऑफ ई की पावर वन बाई जेड क्या होगा, रेसिड्यू ऑफ ई की पावर वन बाई जेड यानी कि हमें पता करना है कि जहाँ पे भी आपको वन बाई जेड का जेड माइनस जेड नोट या फिर वन बाई जेड का कोफिशियंट, हो सकता है ना कि जेड नोट की वैल्यू जीरो हो तो हम उसको वन माइनस जीरो लिखेंगे या फिर वन बाई जेड डायरेक्ट लिख लेंगे, तो जहाँ जो भी वन बाई जेड का कोफिशियंट होगा वो ही आपका रेसिड्यू होगा। तो यहाँ से अगर आपको रेसिड्यू पूछ लेता है पूरी टर्म्स का कि रेसिड्यू ऑफ ई की पावर वन बाई जेड बताइए, तो जहाँ पे भी आपका वन बाई जेड या फिर वन बाई जेड माइनस जेड नोट के टर्म्स मिल रही है उसका जो कोफिशियंट होगा वो
वही आपका रेसिड्यू होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें कि जेड इज इक्वल टू जीरो, जो जेड नोट अगर आप देखें ना कोफिशेंट उसका, तो आपके पास जेड नोट की जो वैल्यू है वो आपको जीरो गिवन है। अगर इसमें अगर हम कंपेयर करके देखें तो जेड नोट की जो वैल्यू है वो आपको जीरो गिवन है, तभी तो ये इस तरीके से ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/z² + 1/z³ 3 फैक्टोरियल। तो जो 1/z का जो कोफिशियंट होएगा वही रेशिडियो ऑफ e की पावर 1/z होगा। तो 1/z का जो कोफिशियंट है वो आपका है 1, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z या फिर 1/z-z0, क्योंकि जेड नोट की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों सेम ही होंगे। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि रेशिडियो ऑफ 1 e की पावर 1/z क्या होता है, 1 होता है। सिंपली आपको क्वेश्चन होगा और आपको ऑप्शन चूज करना होगा। सिमिलरली अगर आप f(z)(sin(z)/z^4 करेंगे, तो अगर मान लीजिए जेड की जेड नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तब आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं 1 माइनस, आपने लास्ट टाइम हमने किया था इसको, कि ये आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा z-z^3 फैक्टोरियल। ओके, देन आपका ये आ जाएगा +z^5/5 फैक्टोरियल। देन आप इसको वापस अगेन z^7/7 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय आपका ये z^4। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 1 माइनस z³, देन ये आपका आता है 3 फैक्टोरियल 1/z, एंड ये आपका आता है z^2/5 फैक्टोरियल, एंड कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखें, आपको पूछा जाता है कि रेशिड्यू बताइए sin(z)/z^4, तो सेम हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/z-z0 हो, लेकिन जेड नोट की वैल्यू 0 है यहाँ पे, जब भी तो ये हमने इसको ओपन किया है। तो ये 1/z का जो कोफिशियंट होगा, 1/z के आगे जो भी कोफिशियंट होगा वही इसका रेशिड्यू होगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो 1/z का जो कोफिशियंट है वो आपका है -1/3 फैक्टोरियल। यहाँ इस 1/z का कोफिशियंट है -1/3 फैक्टोरियल, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो -1/6 आता है। ओके, तो रेशिड्यू ऑफ f(z) z@z0=0 sin(z)/z^4 जो होगा वो आपका होगा -1/6। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो हमने रेसिड्यू को देखा है एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन के लिए less than seconds में आप पता कर सकते हैं कि उनका पर्टिकुलरली रेसिड्यू क्या होने वाला है। अगर वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हो, आप उनको डील कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज ए सिंपल पोल ऑफ एफ जेड। अगर मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाता है कि जो जेड नॉट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट है ना, वो सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब क्या है कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था कि वो 1/z के हिसाब से उसका पोल पोल निकालने के लिए क्या देखा था आपने, जिसमें आपको 1/z की जो पावर होगी, जो उसका कोफिशियंट होगा आगे वाला, वही आपका पर्टिकुलरली पोल होगा। अगर आप केवल अगर आप नॉर्मली पोल की बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी प्रिंसिपल पार्ट में तो वो उसका पर्टिकुलरली पोल होता है। तो अगर इफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट आपको गिवन है और बोला गया है कि वो सिंपल पोल है एफ जेड का, देन अगर आपसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का रेशिड्यू पूछा जाता है, यानी कि एफ जेड का रेशिड्यू अगर आपसे पूछा जाता है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे ही, अगर आपसे रेशिड्यू पूछा जाता है, यानी कि रेशिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एफ जेड का जो रेशिड्यू है वो आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका आ जाएगा लिमिट जेड इक्वल टू z^0 z-z0 f(z). ओके, तो ये आपको नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये पर्टिकुलरली थ्योरम पता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे जो भी आपको दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आप इस एग्जांपल की हेल्प से समझ पाएंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। देखिए f(z)(z+1)/z-2 एंड z+4 अगर आपको गिवन है एंड आपसे पूछा जाता है कि z=2 एंड 4 पे 4 आर सिंपल पोल्स। ओके, z=2 एंड 4 आर सिंपल पोल्स,
पोल्स। ओके तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे कि एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू जेड प्लस फोर, वेयर जेड इक्वल टू टू एंड फोर आर सिंपल पोल। ओके ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड कहाँ पे, जेड इक्वल टू टू पे। ओके जेड इक्वल टू टू पे आपको रेसिड्यू, यानी कि ये पर्टिकुलरली ये थ्योरम मैच हो रही है, यानी कि यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू टू आपकी आएगी। देन अगर आप देखेंगे तो लिमिट जेड टेंस टू टू, क्योंकि यहाँ पे जेड नॉट की जो वैल्यू है टू है, देन यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे टू, एंड एफ जेड जो आपको गिवन है वो आपका है जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस टू एंड जेड प्लस फोर। ओके यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जेड माइनस टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिमाइनिंग टर्म्स आपकी बचने वाली है वो आपकी बचेगी लिमिट लिमिट जेड टेंस टू टू जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस फोर। अगर आप इसमें टू और टू की इसमें जो पर्टिकुलर फंक्शन है जेड प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड प्लस फोर, इसमें आप जेड की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो आपकी आएगी टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर, यानी कि थ्री बाई सिक्स, थ्री बाई सिक्स यानी कि वन बाई टू। ओके तो इट मीन्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो आपका सिंबल था वो आपको जेड प्लस फोर ना होके जेड माइनस फोर था। अगर आप जेड प्लस फोर रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है उसमें जेड प्लस फोर आता तो यहाँ पे, लेकिन मिस्टेक ये हुई है कि अगर जेड माइनस जेड प्लस फोर रखेंगे तो ये टू और फोर के लिए सिंपल पोल नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस रखना है। अगर आप माइनस रखते हैं तो इस मिस्टेक को आप करेक्ट कीजिए, ये आपका जेड माइनस फोर होगा और ये भी आपका माइनस फोर होगा, इट मीन्स ये भी आपका माइनस फोर होगा, यानी कि टू माइनस फोर आपका माइनस टू आएगा, इट मीन्स अगर आप इसको लिखेंगे तो माइनस वन बाई टू आएगा आपका। ओके सॉल्यूशन, तो हमने क्या किया कि सिंपली जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसका हमें रेसिड्यू निकालना था, जेड इक्वल टू टू पे निकलेगा डिफरेंट रेसिड्यू, जेड इक्वल टू फोर पे निकलेगा डिफरेंट रेसिड्यू। तो रेसिड्यू अगर हमने जेड इक्वल टू टू पे निकाला तो हमने थ्योरम का यूज किया, जेड टेंस टू टू जेड माइनस जेड नॉट यानी कि जेड माइनस टू, एफ जेड की वैल्यू हमने पुट की, देन जेड माइनस टू आपका कैंसिल हो गया, डायरेक्टली वन बाई टू हो गया। अब इनकेस ये तो आप लॉन्ग मेथड अगर लिख के सोल्व करते हैं तो आपको ये यूज करना है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो आपको क्या करना है, अगर जेड इक्वल टू टू के लिए अगर आपको सिंपल पोल गिवन है और रेसिड्यू पूछा जाता है जेड इक्वल टू टू पे, तो आप क्या करेंगे जहां पे भी आपका जेड माइनस टू यानी कि जीरो बन रहा है, यानी कि जेड माइनस टू में अगर आप टू पुट कर देंगे यहां पे तो ये जीरो बन रहा है, तो उसमें आपको नहीं वैल्यू पुट करनी है, रिमाइनिंग में आपको वैल्यू पुट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए अगर आप इसमें जेड इक्वल टू टू के लिए निकाल रहे हैं तो जेड माइनस टू को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो टू प्लस वन टू माइनस फोर यानी कि माइनस वन बाई, ये आपका माइनस, सॉरी ये यहाँ टू प्लस वन थ्री है तो आप इसको थ्री कर लीजिएगा, ये स्लिप मिस्टेक जो छोटी छोटी होती है उसको आप करेक्ट कर दीजिए, ये थ्री बाई टू आएगा आपका माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि टू प्लस वन आपका थ्री होने वाला है, लास्ट टाइम के हमने काट लिया था तो हमने डिनोमिनेटर को चेक कर लिया, न्यूमिनेटर को चेक नहीं किया, तो माइनस थ्री बाई टू आएगा आपका। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अगर आप चेक करेंगे तो इसको हाइड करिए जेड बराबर टू के लिए, क्योंकि अगर आप जेड इक्वल टू टू इसमें वैल्यू पुट करते हैं देन ये आपका टर्म जीरो बन रहा है, तो आपको उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली शॉर्ट ट्रिक्स से जाएँ तो आप टू पुट करेंगे यानी कि टू प्लस वन थ्री एंड टू माइनस फोर माइनस टू यानी माइनस थ्री बाई टू। अगर इसी शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप अगर डायरेक्टली कर रहे हैं, अब अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से अगर डायरेक्टली करते हैं तो आपको वैल्यू पुट करनी है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड, जेड आपको फोर पे पता करना है कि कितना रेसिड्यू आएगा, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे फोर इसमें पुट करेंगे तो फोर माइनस फोर जीरो, यानी कि इसको आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, रिमाइनिंग में आपको फोर पुट कर देना है, यानी कि फोर प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू, फोर प्लस वन आपका फाइव एंड फोर माइनस टू आपका टू, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आप बस फाइव बाई टू आने वाला है विद ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपने जेड माइनस फोर को हाइड कर लिया वो जीरो बन रहा था। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, जेड टेंस टू फोर होगा यहाँ पे एंड ये आपका जेड माइनस फोर होगा एंड ये आपका जेड प्लस वन जो गिवन फंक्शन था वो आपका जेड माइनस टू एंड जेड माइनस फोर होगा, तो जेड माइनस फोर से जेड माइनस फोर आपका कैंसिल हो जाएगा, देन अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फोर प्लस वन आपका फाइव एंड फोर माइनस टू आपका टू, यानी कि फाइव बाई टू आपका आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली ये थ्योरम पता है कि रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड नॉट एफ जेड जो होता है वो लिमिट जेड इक्वल टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई इंटू एफ जेड होगा, तो नॉर्मली आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप लॉन्ग मेथड जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और थ्योरम,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से गिवन हो कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर एम हो, सिंपल पोल नहीं है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर पे है, देन आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर आपको रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे अगर आपको चाहिए, तो वो होगा आपका लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट उसमें आपको फंक्शन जो होगा वो होगा 1/(m-1) का फैक्टोरियल, यानी जो उसकी पावर होगी, यहाँ पे जो एफ जेड में आपको जेड की जो पावर होगी उसका फैक्टोरियल, m-1 का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंशिएशन की पावर m-1/(d) रेस्पेक्ट टू जेड के रेस्पेक्ट में करना है आपको m-1(z-z0)(m.fz). अगर आप सिंपली इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझना है कि मान लीजिए अगर आपको एफ जेड कुछ इस तरीके से गिवन था, e^(3z)/(z-1)^5, ओके, z-1)^5, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पावर आपको मिल रही है, वहाँ पे आपको सिंपली लास्ट क्वेश्चन में देखा था तो नीचे जो भी फंक्शन आ रहे थे z-1, z-4, उनमें आपको कोई पावर नहीं मिल रही थी, तो अगर पावर गिवन हो देन उस केसेस में आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि z=1, यानी कि z=z0(1) है आपको गिवन है, और इज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, ये आपको देख के पता लग रहा है कि ऑर्डर जो है उसका वो एम ऑर्डर है, पोल ऑफ ऑर्डर 5 का है, क्योंकि इसकी पावर 5 है, इट मीन्स ये पोल ऑफ ऑर्डर 5 है, यानी पोल ऑफ ऑर्डर एम यानी पोल ऑफ ऑर्डर 5 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर आपको पूछा जाता है रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, यानी कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड इज इक्वल टू 1 पे अगर आप चेक करेंगे तो वो आपका आएगा लिमिट जेड इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल d^4। ये 4 कैसे आया, क्योंकि आप m की वैल्यू इसमें 5 पुट करेंगे, 5-1 आपका 4 हो जाएगा, देन यहाँ पे भी आप m की वैल्यू 5 पुट करेंगे, यानी कि ये d^4 dz^4 एंड z-z0 यानी कि जेड आपका जेड रहने वाला और जेड नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, इसकी पावर 5 आएगा क्योंकि m है यहाँ पे, एंड एफ जेड अगर आप रखेंगे तो वो आपका आएगा e^3z/z-1)5, ओके। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे z-1)5 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा लिमिट z=1 1/4 फैक्टोरियल। एंड अगर आप e^3z का 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा e^3z का, अगर आप फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3e^3z, अगर आप अगेन करेंगे तो आपको मिलेगा 9e^3z, अगर आप एक बार और करेंगे तो आपको मिलेगा ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, अगर थर्ड टाइम आप करेंगे तो 27e^3z, अगर आपको 1 टाइम और करना है क्योंकि 4 टाइम करना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम आप करेंगे तो 81e^3z, ओके। तो आपको e^3z का 4 टाइम डिफरेंशिएट करना है, अगर आप e^3z का 4 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 81e^3z, ओके। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जेड की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो फंक्शन मिल रहा है 4 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि आपका 24 आ जाएगा, एंड ये आपका 81 आएगा, 81e^3z में आप वैल्यू पुट करेंगे तो e^3 हो जाएगा क्योंकि जेड टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 81/24e^3, अगर आप इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 27/8e^3। तो पर्टिकुलरली जो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड जेड टेंड्स टू 1 z=1 है इस गिवन फंक्शन के लिए, वो है 27/8e^3, ओके। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर नॉर्मली आपको ये थ्योरम पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसकी भी आपको नॉर्मल अप्रोच पता होनी चाहिए, तो हो सक होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ में आए हैं, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे फोकस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे कोची इंटीग्रल थ्योरम एंड कोची रेशियो थ्योरम, जिन पे बेस क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम दिखते रहते हैं, एंड देन हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट आते हैं उनको टेलीग्राम से क्लियर करते रहिए, और ऐप के माध्यम से आप सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम।